गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस डोवर बीच के बारे में, जिसे मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कंपोज किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि एक भावना से प्रेरित है। वह कहता है कि लोगों के हृदय से धार्मिक विश्वास उठ गया है, व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है। अतः कवि इंग्लैंड में स्थित डोवर बीच बंदरगाह के किनारे अपनी प्रेमिका के साथ खड़ा होकर के समुद्र की उठती तथा गिरती लहरों को देख रहा है तथा अपनी प्रेमिका से सदैव अपना प्रेम बनाए रखने के लिए कहता है। तो आइए इसे पोयम के माध्यम से समझते हैं। कवि कहता है, आह लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनादर। ओ लव मतलब प्रेसी से मतलब है। ओ प्रेसी लेट्स बी ट्रू टू वन अनादर, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड उसे उदाहरण देते हुए समझाता है, क्योंकि जो संसार है, विच सीम्स जो प्रतीत होता है, टू लाई बिफोर अस जो हम लोगों के समक्ष प्रतीत होता है, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स स्वप्नों के देश के समान। संसार जो हमारे सामने स्वप्नों के देश के समान प्रतीत होता है, सो वेरियस सो ब्यूटीफुल सो न्यू, यह संसार विभिन्नताओं से भरा हो सकता है, सुंदर हो सकता है और नया दिखाई दे सकता है। हैज रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प ऑफ पेन। कवि कहता है कि हैथ का मतलब है हैज से, रियली वास्तव में इस संसार में ना तो आनंद है और ना ही प्रेम है और ना ही लाइट मतलब ज्ञान का प्रकाश है और ना ही सर्टिट्यूड मतलब स्थिरता है और ना ही शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन और ना ही कष्ट के लिए कोई हेल्प है, कोई सहायता है या फिर सांत्वना है। एंड वी आर हियर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लान स्वेप्ट विद कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। इन अंतिम तीन लाइन्स का अर्थ एक ही में है, तो पहले इनके कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे डार्कलिंग मतलब अंधेरा, प्लेन मतलब समतल स्थान, स्वेप्ट मतलब बह जाना, कंफ्यूज मतलब अस्पष्ट, अलार्म्स मतलब संकेत, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, फ्लाइट मतलब भागना, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, क्लैश का मतलब भी होता है संघर्ष। कवि कहता है एंड वी आर हियर और हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से ऑन अ डार्कलिंग प्लेन एक समतल युद्ध स्थल में इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, अज्ञानी सैनिक रात होने की वजह से क्लैश मतलब लड़ते हैं। और इस लाइन का मतलब है कि स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के अस्पष्ट संकेत मिलने की वजह से एक दूसरे से ही लड़ते हैं, एंड फ्लाइट मतलब इधर उधर भागते हैं। इसका अर्थ ऐसे हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से अंधेरे युद्ध स्थल में अज्ञानी सैनिक अस्पष्ट संकेत मिलने के कारण एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं।